सो दोस्तों, लास्ट वीक हमने एक वीडियो निकाली थी जिसमें हमने बताया था व्हाई शेयर मार्केट इज डाउन, क्या रीजन से शेयर मार्केट में इतनी भारी गिरावट के। निफ्टी जुलाई महीने में 800 पॉइंट और सेंसेक्स 2500 पॉइंट्स की गिरावट देख चुका है। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि भारत के निवेशक होते हैं, उन्होंने जुलाई महीने में 12000 करोड़ की बिकवारी करी है इंडियन मार्केट्स में। मतलब उन्होंने 12000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से निकाल लिए हैं। तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, वो अगर इतने पैसे निकाल रहे हैं, तो आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर क्या करें अपने पैसों का? क्या हम हमारी SIP स्टॉप कर दें? क्या हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करें? क्या ऐसा ही टाइम है मिड कैप स्मॉल कैप में लगाने का? क्या मैं डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या करें इस गिरे हुए मार्केट के बाद। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में अभी आ रहा है कि शुड आई स्टॉप और स्किप माई SIP? सो द बेसिक आंसर हेयर इज नो। मैं आपको इसके पीछे का प्रीमाइस बताना चाहता हूँ। SIP बाय लॉजिक मीन्स एवरेजिंग आउट ऑफ कॉस्ट। मतलब मैं हाई प्राइस पे भी खरीदता हूँ और लो प्राइस पे भी खरीदता हूँ। तो जब मैं हाई प्राइस पे खरीदता हूँ तो मेरे को कम यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन जब मैं लो प्राइस पे खरीदता हूँ तो मुझे ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो अभी जो मार्केट गिरा हुआ है तो लो प्राइस पे आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ इधर। लेट्स से आज से 3 महीने पहले एक शर्ट 2000 रुपये की है, बट ड्यू टू 50% डिस्काउंट वही शर्ट अब 1000 रुपये की है। तो आपको 2000 रुपये में दो शर्ट्स मिलेंगी। तो सेम अप्लाई होता है म्यूचुअल फंड्स के केस में कि आपको सेम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। वॉरेन बुफे ने एक बहुत अच्छा बात बोली है कि यू आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर योर रिसर्च बट फॉर योर पेशेंस एंड डिसिप्लिन इन इन्वेस्टिंग। सो अगर इतने बड़े आदमी बोलते हैं कि पेशेंस और डिसिप्लिन रखना चाहिए, तो आपको और मेरे को एज अ रिटेल इन्वेस्टर शायद उनकी बात सुननी चाहिए। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, यू शुड कंटिन्यू योर सिप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस। सो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि क्या ये सही टाइम है फ्रेश इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, मतलब एट वन शॉट या बल्क में पैसा लगाने का मार्केट्स में। सो इसका मैं दो पार्ट्स में आंसर करूंगा। पहला कि इज मार्केट टाइमिंग गुड, क्या मार्केट को आप टाइम कर सकते हैं? इसका मतलब कि मैं मार्केट के लोएस्ट पे खरीदूं और हाईएस्ट पे बेचूं। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट टाइमिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलते हैं कि मतलब आप मार्केट टाइम ही नहीं कर सकते हैं, और मैं भी इसका फर्म बिलीवर हूं। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कि अगर मेरे को वन शॉट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कैसे करूँ? तो दोस्तों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं थोड़ा टाइम लेके इसको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको 20 से 25 लाख रुपये मार्केट्स में लगाने हैं और कोई ऐसा फंड है जो कि स्मॉल कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है या लार्ज कैप फंड हो सकता है, ठीक है, तो आप एक STP करिए लिक्विड फंड से उस फंड में। STP बोले तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये बिल्कुल सिमिलर टू SIP होता है, लेकिन आपका पैसा यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट से नहीं, जबकि एक दूसरे फंड से निकल के एक दूसरे फंड में जाता है। तो इसके कैसे काम करता है? तो एक लिक्विड फंड में ऑन एन एवरेज 7 से 7.5% का रिटर्न आता है, और म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में वो सबसे कम रिस्की माने जाते हैं। तो आप अपना पैसा जो कि 20 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, वहाँ लिक्विड फंड में पार्क कर दीजिए। फिर मंथली एक STP चालू कर दीजिए जो फंड में आपको पैसा लगाना है। यहाँ पे आपको SIP का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी आपकी कॉस्ट एवरेज आउट होती रहेगी और आपको लिक्विड फंड्स के रिटर्न भी मिलेंगे जो कि 7 से 7.5% ऑन एन एवरेज होते हैं। तो इस तरीके से आपको पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी हो और जितना भी आपका क्वांटम हो, जैसे मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए लगाए और आपको 10 महीने में 50,000 के इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा एक फंड में पार्क करना है, तो 10 महीने के लिए आपको लिक्विड फंड के रिटर्न्स मिलेंगे, और फिर जब वो पैसा पूरा पार्क हो जाएगा तो आपको वो फंड दूसरे फंड्स के रिटर्न्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप मार्केट में जब आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो तो STP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं इन अ पेज मैनर। तो दोस्तों, हमसे बहुत लोगों ने पिछले 1-2 हफ्तों में पूछा कि क्या ये सही टाइम है स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट करने का। तो बेसिक आंसर है, अगर आप SIP कर रहे हैं तो हाँ, हर टाइम सही होता है हर किसी में इन्वेस्ट करने का। एवरी डे इज अ गुड डे टू इन्वेस्ट। अब थोड़ा डिटेल में बात करी जाए, तो डेटा की बात करी जाए तो BSE स्मॉल कैप इंडेक्स अपने जनवरी 2017 के लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर रहा है, अराउंड 12,000-12,500 के। जनवरी 2018 में वही इंडेक्स 20,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। 2008 की बात करी जाए तो 2008 से फॉल के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप ने ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स यानी निफ्टी और सेंसेक्स को
एक बहुत अच्छे मार्जिन से 5 या 6% के CAGR से 5 साल के पीरियड में बीट करा था। सिंपल कंक्लूजन है कि अगर आपको SIP स्टार्ट करनी है स्मॉल और मिड कैप में तो हाँ ये सही टाइम है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग में यहाँ डिफाइन कर देता हूँ ग्रेटर देन 6 to 7 years। तो दोस्तों चौथा और आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमसे पूछ रहे हैं पिछले 1 साल से कि क्या डेट फंड्स इक्विटी के बराबर रिस्की हैं, क्योंकि जो हमने देखा DHFL में हुआ, जो यस बैंक में इतने सारे डाउनग्रेड्स हुए, LNFS ने तो डिफॉल्ट ही कर दिया, तो इन्वेस्टर्स ने डेट म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न्स देखे हैं। तो इसका आंसर मेरे को नहीं पता है कि डेट इक्विटी के बराबर रिस्की है या डेट में सही टाइम है पैसा लगाने का, लेकिन यहाँ मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा विद इन डेट जो कि होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत अलग अलग लेवल्स पर भी हो सकती हैं, जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। सो आप या तो दो तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकते हैं, या तो वो म्यूचुअल फंड्स खरीदें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, या एक्सचेंज पे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जैसे 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड्स, NHAI के बॉन्ड्स, REC के बॉन्ड्स, इन सबको खरीद सकते हैं। तो बस इधर आपको ये दिमाग लगाना होगा कि कौन सा मेरे को कितना कूपन दे रहा है, क्या इसका पे आउट है। उससे ज़्यादा अच्छा आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रैक करते हैं, उनमें बाइंग सेलिंग करते हैं। यहाँ आपकी बैंकरप्सी के चांसेस एज कम्पेयर टू कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो कि येस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, DHFL में इन्वेस्ट करते हैं, कंपेरेटिवली कम होती है। तो जो हमने नेगेटिव रिटर्न देखे वो शायद इसमें आने के चांसेस कम है। तो दोस्तों लास्टली कंक्लूड करते हुए मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, व्हाट टू डू व्हेन मार्केट्स आर डाउन। सो मार्केट्स एक साइकिल्स में काम करते हैं, ये इंडियन मार्केट्स ही नहीं अक्रॉस वर्ल्ड मार्केट्स एक साइकिल में घूमते हैं। सो 2014 से 2016 के बीच में निफ्टी 8000 से 10000 के बीच में ट्रेड कर रही थी, और अभी पिछले 1 साल से निफ्टी 11000 से 12000 के बीच में ट्रेड कर रही है। सो मार्केट्स मूव इन रेंजेस बट द रेंजेस चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये रेंज बढ़ती ही रहती है एज एंड व्हेन इंडियन इकोनॉमी ग्रोज। So, in order to make money in stock markets, you have to be patient and disciplined investor, and you should not be worried about these kind of cycles in the market. So, दोस्तों, ये जो questions के हमने answer करे, ये आप ही के questions थे और आप ही के feedback थे। So, अगर आपको और ऐसे questions के answers चाहिए, तो please comment below and do subscribe to our channel for insightful videos around stocks and mutual funds.